जी सर, निशुल्क टेलर कोर्स के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं, इसके बारे में बताएं सर, कौन कौन इसमें भाग ले सकता है और क्या कुछ इसकी आवेदन की प्रक्रिया है? नमस्कार, मेरा नाम दीपक शर्मा है। मैं हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की तरफ से जिला समन्वयक हूँ। तो हमारा जो है अभी ITIs में कोर्सेज चले हुए हैं, तो उनमें सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर का कोर्स जो है हमारी वोमेन ITI चंबा में और भरमौर में है, जो नेक्स्ट मंथ कंप्लीट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट मंथ, इस मंथ से ही हमने उसके लिए आवेदन लेना स्टार्ट कर दिए हैं। तो मैं चंबा के लोगों से और भरमौर के महिलाओं से ये आवेदन करना चाहता हूँ कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए अपने आप को वहाँ की गवर्नमेंट ITIs में इनरोल करें। आवेदन की क्या प्रक्रिया रहेगी? क्या उन्हें चंबा आना पड़ेगा या लोकल ही इसका आवेदन किया जा सकेगा? नहीं, उन्हें सिर्फ वहाँ की गवर्नमेंट ITIs में, जैसे कि चंबा की वोमेन ITI है वहाँ पे जाके आवेदन करना है, और जो भरमौर में ITI है वहाँ पे जाके आवेदन करना है। तो इसके लिए जो उनकी एज लिमिट है वो 18 से 45 साल की है, और ये शॉर्ट टर्म कोर्स है 3 मंथ का। इसमें कोई शुल्क वगैरह तो नहीं नहीं, लगेगा? ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है। और पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये करना होता है? पूरे डिस्ट्रिक्ट में इस कोर्स को करवाया जाएगा? ये हाँ, पूरे डिस्ट्रिक्ट की महिलाओं के लिए है ये, लेकिन ये दो ही जगह अभी हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की तरफ से डिस्ट्रिक्ट चंबा में चलाया जा रहा है, भरमौर ITIs में और वोमेन ITI चंबा में। मेरे बोलने का मतलब है, यदि कोई महिला 30 साल की है, वो भरमौर में जाके करना चाहे तो क्या वो कर सकती है? जी हाँ, वो ज़रूर कर सकती है। और मैं इसमें अपने और भी कोर्स ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि हम PGDCA के लिए और DCA के लिए भी आवेदन ले रहे हैं। तो हमारा जो सेंटर है नाइलेट्स का, हिप्पा में बालू, नियर बालू ब्रिज, वहाँ पे RTO ऑफिस के ऊपर है। तो वहाँ मैं चंबा के युवाओं से ज़्यादा से ज़्यादा अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो उसके लिए आके आवेदन करें। ये जो PGDCA और DCA का कोर्स है, ये दोनों 1-1 ईयर के कोर्स हैं। तो मैं चाहूँगा चंबा के युवाओं से कि वो जाके इसके लिए आवेदन करें। इसकी जो 1 ईयर की ड्यूरेशन रखी हुई है, 1-1 ईयर के कोर्स है। और एक हमारा CCC का कोर्स भी कंप्यूटर का है, जो 10th पास आउट कैंडिडेट्स के लिए है। +2 पास आउट भी कर सकते हैं उसको, लेकिन वो है 1 मंथ का कोर्स। इन कोर्सेज के लिए आवेदन करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा सर? जो PGDCA और DCA के कोर्स हैं ये हमारे जून मंथ में स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमने जैसे अभी पहले भी बताया था, उससे पहले जो भी युवा हैं वो वहाँ पे जाके अपने आवेदन दे सकते हैं। उनको अपना एक सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, एक अपना आधार कार्ड और एक बोनोफाइड सर्टिफिकेट। लोगों को इन योजनाओं के प्रति जागरूक करने के लिए डिपार्टमेंट क्या कुछ प्रयास कर रहा है सर? हमारी तरफ से तो हमेशा प्रयास रहते हैं कि जो भी यहाँ पे हमारे पास जो भी युवा आते हैं, तो हम उनको अवेयर करते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से ये स्कीम्स चलाई जा रही हैं। आप जितनी भी हमारी तरफ से हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की तरफ से स्कीम्स चलाई जा रही हैं चंबा में, हम उन सब के बारे में उनको बताते हैं कि जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो इसमें इनरोल कर सकते हैं। आपके साथ संपर्क करने के लिए क्या कुछ साधन है? क्या सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा सकता है? हमारा एक फेसबुक पेज है HPKVN चंबा, जिस पे हम अपडेट देते रहते हैं, जो भी हमारे कोर्स से रिलेटेड होती हैं और भी बहुत सारी अपडेट हम वहाँ पे देते रहते हैं। तो मैं उनसे अनुरोध करूँगा, चंबा के युवाओं से, कि वो हमारा फेसबुक पेज भी लाइक और फॉलो करें उसको, और जो भी वहाँ पे अपडेट मिलती है उसके लिए हमारे साथ संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा जो मेरा जो मोबाइल नंबर है वो 8146523363 है, वो हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर उन्हें कोई परेशानी आ रही है या उन्हें किसी कोर्स में एडमिशन लेनी है, तो हमारे साथ सीधा संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू सर।